स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आपके बेसिक सर्वेइंग के जो की जो क्लास चल रही है उसमें हम ये आज की क्लास में जायजा लेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हम मुकम्मिल कर चुके हैं। और आपको जैसा इल्म है कि कंपास सर्वेइंग हम पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कि ये कंपास ट्रैवर्सिंग, इसका ओवरव्यू, कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ कंपास सर्वे, प्रिज्मेटिक कंपास, ये तमाम चीज़ें हम थ्योरी क्लास में और लेबोरेटरी के एक्सपेरिमेंट्स के दौरान ये चीज़ें हम सीखे हैं, सिखाए हैं। और कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ कंपास और उसके फंक्शंस, इनके बारे में भी हम आपको बतला चुके हैं। मेथड्स ऑफ यूजिंग कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास, ये भी हम लेबोरेटरी के एतबार से और थ्योरी के एतबार से मुकम्मल कर चुके हैं। टेम्पररी एडजस्टमेंट्स, मतलब कंपास को ट्राईपॉड पे कैसा सेट करते हैं और उसको कैसे लेवल करते हैं और उसकी सेंटरिंग कैसे करते हैं। टेम्पररी एडजस्टमेंट्स का मतलब कंपास को ट्राईपॉड पर लगाना और उसकी सेंटरिंग करना, मतलब प्लम्बॉब की मदद से सेंटर पर लेग्स के एडजस्ट करते हुए लगाना। और उसके साथ साथ जो हमारा कंपास का जो जॉइंट है, जो ट्राईपॉड पर लगता है, वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। जैसा कि बॉल एंड सॉकेट मतलब जैसा हमारा कांदा होता है, उसी तरीके से वो जॉइंट है, उसमें उसको एडजस्ट इस तरीके से करना कि जो डिस्क है वो सीधी रहे, टेढ़ी ना रहे। तो ये तीन चीजें अगर आप कर लेंगे तो इसको टेम्पररी एडजस्टमेंट्स कहते हैं। तो ये चीज भी आपको लेबोरेटरी के एतबार से, जो हमारा रिकॉर्डेड क्लास है लैब का, उसमें ये चीज मौजूद है। और ऑब्जर्व बेयरिंग कैसे ऑब्जर्व करते हैं, ये भी हम आपको सिखा चुके हैं, ये टॉपिक भी मुकम्मल हो चुका है। और उसके अलावा जो हमारा पिछला जो क्लास था, उससे पिछला जो क्लास था उसमें मेरिडियन, टाइप्स ऑफ मेरिडियन, टाइप्स ऑफ बेयरिंग्स, ये टॉपिक्स भी हम जो है कवर कर चुके हैं। होल सर्कल बेयरिंग और रेडियस बेयरिंग, ये भी हम पिछली क्लास में, रिकॉर्डेड क्लास में जो बोर्ड पर पढ़ाई गई थी उसमें हम ये मुकम्मल कर चुके हैं। इस पे प्रॉब्लम्स करना है लेकिन फिलहाल ये चीज मुकम्मल कर चुके हैं। एग्जाम्पल्स ऑन कन्वर्जन ऑफ बेयरिंग्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यानी कि होल सर्कल बेयरिंग, यानी कि ये जो अभी जो इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये होल सर्कल बेयरिंग को रेडियस बेयरिंग में कन्वर्ट करना और रेडियस बेयरिंग को होल सर्कल बेयरिंग में कन्वर्ट करना, ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये हम देखेंगे। और फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग, फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग और इसका कैलकुलेशन, ये फोर बेयरिंग बैक बेयरिंग भी आपको समझा दिया गया है, कैलकुलेशन आपको हम इसको देखना है, बाकी है। और इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल्स भी हम आपको लेबोरेटरी में समझा दिए हैं लेकिन थ्योरी में अभी बाकी है, ये भी हमको सीखना है। यहाँ पे देखिए आप, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ये वाला टॉपिक भी हो चुका है, इस पे प्रॉब्लम्स करना बाकी है। तो और एक चीज है, लोकल अट्रैक्शन, मेथड्स ऑफ करेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स, ये हमको अभी बाकी है, मतलब यहाँ तक हम कर चुके हैं, आगे का काम बाकी है। तो हम फिर एक एक टॉपिक देखते हैं। जो जो टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं वो भी अब मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, और चंद और टॉपिक्स हम आज देखेंगे, प्रॉब्लम्स भी देखेंगे और कैसे करते हैं ये भी देखेंगे। इसके अलावा हम यही टॉपिक्स को, प्रॉब्लम्स को बोर्ड पे करने की भी कोशिश करेंगे, उसको भी रिकॉर्ड करके आपके सामने लाने की प्लेटफॉर्म पर हम कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये चीज मैं पिछली क्लास में बोर्ड पर कवर कर चुका हूँ आपके सामने है कि भाई अगर होल सर्कल बेयरिंग में जो वैल्यूज दिए गए हैं अगर उसको रेड्यूस बेयरिंग में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो ये चीज मैं पिछली क्लास में कवर कर चुका हूँ, आप लोग याद है ना स्टूडेंट्स? यस सर, जी सर, यस सर, यस सर, जी, पिछली क्लास में जो रिकॉर्डेड क्लास थी, वो बोर्ड पर जो क्लास चल रही थी उस पर मैं ये फॉर्मूलाज आपको लिख के बतला दिया हूँ। एक बार फिर आपके याद के लिए, रेफरेंस के लिए और रिपीटेशन के लिए ये बतलाया जा रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 डिग्री से 90 डिग्री,
अगर फॉर एग्जाम्पल लाइन ओ ए है और यहाँ पे रेडियस बेयरिंग होल सर्कल बेयरिंग के बराबर होगी, लेकिन ये हम क्वाड्रेंट लिखेंगे या नॉर्थ ईस्ट बोल के लिखेंगे जो भी एंगल के साथ। उसके बाद ओ बी अगर लाइन है 90 डिग्रीज और 180 डिग्रीज के दरमियान यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो रेडियस बेयरिंग होगी 80 180 माइनस होल सर्कल बेयरिंग। और ओ सी अगर लाइन है 180 डिग्रीज और 270 डिग्रीज के दरमियान, तो होल सर्कल बेयरिंग में से रेडियस जो 180 डिग्रीज निकाल देंगे तो आ जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी वही रहेगी। इसी तरीके से 270 और 360 डिग्रीज यानी कि आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 डिग्रीज में से होल सर्कल बेयरिंग निकाल देंगे। और क्वाड्रेंट्स लिखना इंपॉर्टेंट है, ये जो मामला थे नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, तो यहाँ पे हमेशा याद रखिए आप फर्स्ट क्वाड्रेंट नॉर्थ ईस्ट, सेकंड क्वाड्रेंट साउथ ईस्ट, फोर्थ थर्ड क्वाड्रेंट साउथ वेस्ट, फोर्थ क्वाड्रेंट नॉर्थ वेस्ट। ठीक इसी तरीके से अगर उल्टा मामला है, अगर जो है जैसा यहाँ पे लिखा गया है नॉर्थ अल्फा, अल्फा मतलब वो वैल्यू, और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, साउथ ईस्ट का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, साउथ वेस्ट का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट और नॉर्थ वेस्ट का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। तब यहाँ पे आप देखिए इसका एक एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं कि देखिए यहाँ पे एक वैल्यू दी गई है। अब ये जो वैल्यू दी गई है आपको करना भी है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट आपसे मैं शेयर कर चुका हूँ, तो आपको ये प्रॉब्लम, ये जो भी सोल्यूशन है प्रॉब्लम और सोल्यूशन आपको करना है। अब नॉर्थ 45 डिग्रीज 15 मिनट्स ईस्ट, ये पहला पहला प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम है साउथ 42 डिग्रीज 20 मिनट्स ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है स्टूडेंट्स? फर्स्ट वेरी क्वाड्रेंट सर, फर्स्ट गुड क्वाड्रेंट वेरी गुड, साउथ ईस्ट का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, साउथ साउथ वेस्ट का मतलब थर्ड 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 क्वाड्रेंट, और नॉर्थ और वेस्ट का मतलब फोर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ अब देखिए जो भी वैल्यूज हैं उसके हिसाब से आप फिगर ड्रॉ करना है। यहाँ पे देखिए आप ये जो वैल्यू है, ये जो ये क्या चीज है, ये नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्रीज 15 मिनट्स, और जो इसका ये जो फिगर है, ये जो खाका है ये क्वेश्चन है, इधर का जो खाका है ये आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स? यस सर, ये अब ये क्या है नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे देखिए आप सेम रहता है ना हमारा, इसमें आप ये इसमें देखिए यस सर, जी सेम रहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेम रहेगा सर। सेम रहेगा, तो देखिए आप सेम है, ठीक है सेम चीज है। और सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए 42 डिग्रीज 20 मिनट्स, लेकिन हमको यहाँ पे जो बेरिंग है, ये बेरिंग जो है ये वाला जो जहाँ मेरा कर्सर है ना, ये वाला बेरिंग। हाँ तो अब क्या करना है, ये इतना हिस्सा 180 में से निकाल देना, ये जो है ना रेड्यूस बेरिंग, ये रेड्यूस बेरिंग को 180 डिग्रीज माइनस माइनस रेड्यूस बेरिंग। अब यहाँ पे देखिए आप 180 डिग्रीज माइनस रेड्यूस बेरिंग, ये फार्मूला। रेडियस अगर ये फार्मूला आपको याद नहीं भी आ रहा है तो आप फिगर देख के आप समझ सकते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का पहले आप खाका बनाए फिगर में, तो अब इसके बाद ये वैल्यू आ जाएगी जो यहाँ पे लिखी गई है 137 डिग्री 40 मिनट्स। अब यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए 10 डिग्री 45 मिनट्स, इसमें आप 180 में प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी जो यहाँ हम लिखा सर, 190 डिग्री 45 मिनट्स। उसके बाद ये जो 50 डिग्री 15 मिनट्स है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट वाला ये क्वेश्चन है, हमारा क्या है आंसर, इधर वाला आंसर है। यहाँ पे देखिए ये वाला हमारा आंसर है, तो इसको क्या करेंगे 360 डिग्रीज में से 50 डिग्रीज 15 मिनट्स माइनस कर देंगे। माइनस कर देने से क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी जो 309 डिग्रीज 45 मिनट्स है। तो ये आपको रेड्यूस बेरिंग दी गई थी, आप होल सर्कल बेरिंग मालूम कर लिए, ये क्वेश्चन था ये आंसर। अब देखिए अब यहाँ पे ठीक उल्टा है, या आप क्या है होल सर्कल बेरिंग दी गई है, रेड्यूस बेरिंग मालूम करना है, यानी कि यस जस्ट रिवर्स। अब यहाँ पे देखिए ये जो फिगर है ये क्वेश्चन है, ये जो फिगर है ये आंसर है, सर, और फार्मूला कहाँ पर है, फार्मूला यहाँ पर है, इधर वाला, ये वाला फार्मूला यूज करना है। होल सर्कल बेरिंग दी गई है, रेड्यूस बेरिंग मालूम करना है, और ये जो है रेड्यूस बेरिंग दी गई है, होल सर्कल बेरिंग मालूम करना है।
तो ये आपके रेफरेंस के लिए दे दिया गया है। अब देखिए, अगर ये फार्मूला जो भी मैं आपको बताया वो भी याद नहीं भी आ रहा है, तो पहले आप फिगर ड्रॉ कर दीजिए, फिगर को देखते हुए आप खुद ब खुद आप वो फार्मूला यानी कि डिस्कवर कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट देंगे 38 डिग्री 30 मिनट्स, ये जो है सेम रहेगा, लेकिन वहां पे आपको क्वाड्रेंट नॉर्थ ईस्ट लिखना होगा। और यहाँ पे देखिए, ये जो बेरिंग है 142 डिग्रीज वाली, अब यहाँ पे हमको बेरिंग ये वाली चाहिए, ये वाली बेरिंग चाहिए, तो क्या करेंगे आप 180 में से फुल सर्कल बेरिंग माइनस कर देंगे, आप फार्मूला भी चेक कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए आप, ये वाला अगर बेरिंग है मौजूद है जो 248 डिग्रीज 45 मिनट्स यहाँ पे है, और आपको ये वाला बेरिंग चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसमें से 248 डिग्रीज 45 मिनट्स में से 180 माइनस कर देंगे, फार्मूला भी आप चेक कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए 325 डिग्री 30 मिनट्स जो ये जो ये वाला जो बेरिंग है उसमें आपको ये वाला बेरिंग चाहिए, तो हम क्या करेंगे 360 डिग्रीज में से ये वाला बेरिंग अगर आप होल सर्कल बेरिंग माइनस कर देंगे तो 34 डिग्रीज 30 मिनट्स ये आंसर आ जाए। तो ये क्वेश्चन है, ये आंसर है। इस तरीके से अगर हम और आगे बढ़ते हैं, अब नया जो वो है होल सर्कल बेरिंग और रेडियस बेरिंग का जो रिलेशन है उस पर एग्जाम्पल्स जो है, पहला एग्जाम्पल भी आपको दे दिया गया है, दूसरा एग्जाम्पल भी आपको दे दिया गया है। अब ये जो फिगर आपको आपके सामने बताया जाए, ये फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का ताल्लुक है इससे। यहाँ पे देखिए, अगर फोर बेरिंग किसे कहते हैं, जो ये टॉपिक भी हम पिछले क्लास में कवर कर चुके हैं, फिर भी एक बार आपको रिपीट कर रहे हैं। अगर सर्वे लाइन के डायरेक्शन में अगर आप बेरिंग ले रहे हैं तो उसको फोर बेरिंग कहते हैं, और सर्वे लाइन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप बेरिंग ले रहे हैं उसको बैक बेरिंग कहेंगे। सिंपल वर्ड्स में, ए से अगर बी को देख रहे हैं और रीडिंग नोट कर रहे हैं, जो भी रीडिंग आ रही है उसको फोर बेरिंग कहेंगे, और बी स्टेशन से ए स्टेशन को देखेंगे और उस वक्त जो रीडिंग आ रही है उसको बैक बेरिंग कहेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल है, ये अपोजिट एंगल होने की वजह से बराबर है, और डिफरेंस कितना होगा 180 का होगा। हमेशा याद रखिए, फोर बेरिंग और बैक बेरिंग में जो डिफरेंस है वो 180 का रहेगा। कितने का रहेगा स्टूडेंट्स? 180। उसी चीज को थोड़ा सा वजाहत के साथ यहाँ बताई गई है। देखिए, ये फोर बेरिंग थीटा वन है, ये बैक बेरिंग क्या होगी, ये थीटा वन, ये 180, 180 प्लस थीटा वन, ठीक है। और यहाँ पे जो है, अगर आप ये थीटा टू है तो ये क्या है 180, बैक बेरिंग क्या हो गया 180 थीटा टू, यानी कि फोर बेरिंग में से 180 डिग्रीज माइनस कर देना। इसका सिंपल जो फार्मूला है वो फार्मूला आपके सामने है, ये भी आपको मैं पिछली क्लास में बता दिया था कि बैक बेरिंग क्या होगी, हमेशा फोर बेरिंग प्लस और माइनस 180 डिग्रीज। प्लस कब लेंगे, उस वक्त लेंगे जब फोर बेरिंग 180 से कम रहेगी, माइनस कब लेंगे, उस वक्त लेंगे जब फोर बेरिंग 180 डिग्री से ज्यादा हो गई। ज्यादा होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखिए, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू 180 से कम है, इसलिए हम बैक बेरिंग क्या लिखे 180 डिग्रीज प्लस फोर बेरिंग यानी थीटा वन, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू 180 से ज्यादा है, इसलिए बैक बेरिंग का फार्मूला क्या लिखे हम फोर बेरिंग यानी थीटा टू माइनस 180 डिग्रीज। वही फार्मूला यहाँ पे आपको लिख दिया गया है, और ये चीज भी आपको पिछली क्लास में बोर्ड पर मैंने आपको समझा दिया है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये देखिए ये कौन सा है, ये वैल्यू आपके फोर बेरिंग है, 30 डिग्रीज नॉर्थ थीटा ईस्ट। टू माइनस वन इन फर्स्ट अब ये रेडियस बेरिंग, क्वाड्रेंट से। ये रेडियस बेरिंग के हिसाब में है, ये रेडियस बेरिंग के तरीके पर है, फिगर ए जो है रेडियस बेरिंग के तरीके पर है। अब यहाँ पे जो 30 डिग्रीज है सेम वैल्यू यहाँ पे रहेगी, सेम वैल्यू रहेगी, लेकिन क्वाड्रेंट चेंज हो जाएगा, ये नॉर्थ ईस्ट लिखेंगे हम, फोर बेरिंग ऑफ लाइन जो है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में रहेगा, बैक बेरिंग किस में रहेगा साउथ वेस्ट में। साउथ ठीक उसी वेस्ट। तरीके से यहाँ पे फोर बेरिंग साउथ ईस्ट में रहेगी और बैक बेरिंग नॉर्थ वेस्ट में रहेगी। ये रेडियस बेरिंग सिस्टम में या क्वाड्रेंटल सिस्टम में वैल्यू, जो वैल्यू है वो वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्या चेंज होगा, क्वाड्रेंट चेंज होगा। क्वाड्रेंट क्वाड्रेंटल क्वाड्रेंटल जी, इसको भी जो है हम सर ये वाले फिर से बता दीजिए। एक मिनट
अभी हम आपके डाउट्स क्लियर करते हैं। यहाँ पे आप गौर कीजिए, अगले क्लास में हम आपको इसको बोर्ड पर भी बतलाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब ओके यहाँ पे सर। देखिए, अभी यही चीज फोर बेरिंग और बैक बेरिंग जो रेडियस सिस्टम में अभी हम सीखे थे, अभी इसी चीज को हम होल सर्कल बेरिंग में सीख रहे हैं। अब 79 डिग्री 24 मिनट्स, 79 डिग्री 24 मिनट्स। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये कैसा आ गया, ये 79 डिग्री 24 मिनट्स किसमें है, फोर बेरिंग में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर, फोर बेरिंग है, नहीं फर्स्ट। फोर बेरिंग है ना, फोर बेरिंग यस है, सर। और ये जो है 180 से कम है ना, सेवेंटी नाइन डिग्री 24 मिनट्स 180 से कम है, जब कम है तो 180 डिग्रीज ऐड कर देंगे ना हम, ऐड कर देंगे। हाँ, तो 259 डिग्री 24 मिनट्स आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 354 डिग्री 24 मिनट्स है ये वाला फोर ज्यादा है बेरिंग। सर, माइनस होगा। अब 354 डिग्री 56 24 मिनट्स जो है ये 180 से ज्यादा होने से इसमें कम कर इसको देंगे सर। इसको इसमें से 180 डिग्री माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 174 डिग्री 56 मिनट्स। यस और सर। इसी तरीके से 178 डिग्री 180 से कम है ना, यस सर। हाँ, दो मतलब 2 डिग्री कम है, तो हम क्या करेंगे 180 में से 178 डिग्री माइनस करेंगे, तो फिगर ऐसा आएगा, देखिए 2 डिग्रीज का फर्क आएगा, इसलिए ऐसा सीधा आ जाएगा। और यहाँ पे 204 डिग्री 12 मिनट्स, 204 डिग्री 12 मिनट्स है, ये कौन है, फोर बेरिंग है, मोर देन है टू सर। नॉट फोर 204 क्या है, 180 से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे इसमें से 180 डिग्री माइनस कर देंगे, तो 24 डिग्री 12 मिनट्स आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप देखिए आपके जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज आप देखिए, आप ये क्वाड्रेंटल सिस्टम में है, कौन से सिस्टम में है, क्वाड्रेटल सिस्टम में सर। क्वाड्रेंट MN जो MN जो वैल्यू है 79 डिग्रीज और 4 मिनट्स, ये साउथ ईस्ट है, लेकिन इसका बैक बेरिंग नॉर्थ वेस्ट होगा, क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। अब इसमें और इसमें आप क्या फर्क है, होल सर्कल बेरिंग में फोर बेरिंग और बैक बेरिंग मालूम करने के लिए आप 180 डिग्रीज ऐड करेंगे या माइनस करेंगे, ठीक है, लेकिन सर। इसी चीज को अगर आप क्वाड्रेंटल सिस्टम में करना है तो यहाँ कुछ माइनस माइनस करने की जरूरत नहीं है, जो वैल्यू है वही वैल्यू रहेगी, जो नंबर्स हैं वही नंबर्स रहेंगे, जो एंगल जो बेरिंग है वही बेरिंग रहेगी, लेकिन क्वाड्रेंट्स चेंज हो जाएंगे, क्या चेंज हो जाएंगे, क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स। हाँ, यहाँ पे 180 में से माइनस करना है या 180 में से प्लस करना है ऐसा मामला नहीं है, तो ये आप अच्छी तरीके से जहन नशीन कर लीजिए। अब सर ये यहाँ पे कैसे कर देखिए, पाएंगे? एक मिनट, आपका डाउट अभी क्लियर करते हैं, थोड़ा रिवीट कर लीजिए आप। ओके सर। 88 डिग्रीज 12 मिनट्स, 88 डिग्रीज 12 मिनट्स, वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, ये चीज जो मैं कह रहा हूँ वो एक बार आप जहन नशीन कर लीजिए कि क्वाड्रेंट चेंज हो रहा है। क्वाड्रेंटल सिस्टम में फोर बेरिंग और बैक बेरिंग के दरमियान वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्या चेंज होगा, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट चेंज होगा, वेरी गुड क्वाड्रेंट जी। अब देखिए यहाँ पे फोर बेरिंग बैक बेरिंग का होल सर्कल सिस्टम का एग्जाम्पल दे दिया गया है आपके सामने, और यहाँ पे ऊपर में यानी के फोर बेरिंग और बैक बेरिंग में जो क्वाड्रेंटल सिस्टम है या रेड्यूस बेरिंग का है वो एग्जाम्पल दिया गया है, और साथ ही साथ क्वाड्रेंटल सिस्टम का एक और एग्जाम्पल यहाँ पर भी दे दिया गया है, ताकि आपको सही तरीके से ये समझ में आ जाए। और ये जो भी एग्जाम्पल्स आपको दिए जा रहे हैं ये सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि ये एग्जाम्पल्स को आपको सॉल्व करना है, जब आप सॉल्व करेंगे फिर आपको समझ में आएगा, सिर्फ आप देखते रहेंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो ये इसको आप दोहराइए, सॉल्व कीजिए, बुक लीजिए, पेन लीजिए, पेपर लीजिए और सॉल्व करिए, सॉल्व करने पे आपको समझ में आ जाएगा। अब ये डिक्लिनेशन भी हम पिछली क्लास से पढ़ चुके हैं, डिक्लिनेशन चीज थी जो आपको मैं समझाया था कि ट्रू नॉर्थ, ट्रू वे, ट्रू मेरिडियन जो है, जो जमीन का है उसके मुताबिक कंपास का नॉर्थ मेरिडियन रहना चाहिए, डायरेक्शन रहना चाहिए, लेकिन वो अगर वो डिविएट हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, डिक्लिनेशन बोलते हैं। डिक्लिनेशन एक एंगल होता है जो जो
ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के दरमियान होता है। ट्रू नॉर्थ यानी कि ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के दरमियान जो एंगल बनता है उस एंगल को क्या क्या बोलेंगे, उस एंगल को डिक्लिनेशन बोलेंगे। डिक्लिनेशन अगर मैग्नेटिक मेरिडियन या मैग्नेटिक नॉर्थ ईस्ट की तरफ है तो उसको डिक्लिनेशन ईस्ट कहेंगे, और अगर मैग्नेटिक मेरिडियन या मैग्नेटिक नॉर्थ अगर वेस्ट की तरफ है तो उसको डिक्लिनेशन वेस्ट कहेंगे। इसी को यहाँ पे आपको वजाहत के साथ बतला दिया गया है। तो देखिए आप ये ट्रू नॉर्थ है या ट्रू मेरिडियन है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये डिक्लिनेशन किसकी तरफ है, वेस्ट की तरफ है, और जो भी बेरिंग मालूम की जा रही है वो यहां से मालूम की जा रही है मैग्नेटिक नॉर्थ से, लेकिन ट्रू मेरिडियन यहां से है। अगर ट्रू मेरिडियन मालूम करना है इस सूरत में तो जितना डिक्लिनेशन है वो आपको माइनस करना होगा। क्या करना होगा बोलिए, माइनस माइनस करना होगा सर। और इसी तरीके से यहां पर अगर आपके ईस्ट की तरफ है, डिक्लिनेशन टुवर्ड्स ईस्ट है, तो जितना डिक्लिनेशन है वो आपको ऐड करना होगा। क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ जो है आपका इस तरफ है। तो यहाँ पे देखिए आप ट्रू बेरिंग अगर आप मालूम करना चाह रहे हैं जो अभी आपको समझा दिया गया है, तो मैग्नेटिक मेरिडियन प्लस और माइनस डिक्लिनेशन है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन अगर प्लस लेंगे में जो फार्मूले में प्लस लेंगे, कब लेंगे ये, जब डिक्लिनेशन ईस्ट की तरफ रहेगा, और माइनस लेंगे जब डिक्लिनेशन वेस्ट की तरफ रहेगा, जो अभी आपको फिगर के खाके के हिसाब से बतला दिया गया है। ठीक उसी तरीके से अगर आपको मैग्नेटिक मेरिडियन बेरिंग मालूम करना है, ट्रू बेरिंग मालूम करना है, तो फार्मूला आपको दे दिया गया है। अगर आपको मैग्नेटिक बेरिंग मालूम करना है तो वो उसके लिए ठीक उसका उल्टा क्या है, ट्रू बेरिंग प्लस और माइनस डिक्लिनेशन। तो उसमें आप देखिए प्लस माइनस प्लस यूज करेंगे जब डिक्लिनेशन वेस्ट की तरफ है, और माइनस यूज करेंगे जब डिक्लिनेशन ईस्ट की तरफ है। यहाँ उस ऊपर में देखिए प्लस यूज कर रहे हैं जब डिक्लिनेशन ईस्ट की तरफ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस यूज कर रहे हैं जब डिक्लिनेशन वेस्ट की तरफ है। ठीक उल्टा है, ठीक उल्टा इसलिए है क्योंकि ये ट्रू बेरिंग है और ये मैग्नेटिक बेरिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका एग्जांपल दे दिया गया है आपके सामने कि मैग्नेटिक मतलब बेरिंग ऑफ ए लाइन ए बी 189 डिग्रीज 12 मिनट्स, डिक्लिनेशन वेस्ट है, डिक्लिनेशन 2 डिग्रीज किधर है, वेस्ट है। और वेस्ट में रहे तो क्या करना है, फार्मूला देखिए आप, माइनस वेस्ट में अगर है तो माइनस माइनस यूज, ठीक है जी। तो उसी तरीके से या उसका क्या करना, अगर आइए फार्मूला, ये फार्मूला भी अगर आप भूल गए हैं कोई मसला नहीं है, आप ये बेरिंग के हिसाब से फिगर ड्रॉ कीजिए और डिक्लिनेशन ड्रॉ कीजिए, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि बेरिंग यहाँ से ली गई है और हमको होना है यहाँ से, तो इतना जो एक्स्ट्रा है ये माइनस करना होगा, सिंपल सी बात है। तो आप खुद माइनस वहां फार्मूले में लिख लेंगे। तो ट्रू बेरिंग में देखिए 189 डिग्रीज 12 मिनट्स माइनस 2 डिग्रीज कर लिए, ये 2 डिग्रीज कौन है, ये डिक्लिनेशन है, डिक्लिनेशन 2 डिग्रीज वेस्ट है। और ये बी पार्ट में देखिए आप, बेरिंग ऑफ लाइन सी डी 72 डिग्रीज 44 मिनट्स, डिक्लिनेशन 1 डिग्रीज 12 मिनट्स ईस्ट की तरफ है, ये ईस्ट की तरफ है 1 डिग्री 12 मिनट्स, प्लस हो गया सर ये, हाँ यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, 1 डिग्री 12 मिनट्स है, देखिए समझे आप, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइए। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे सही लिखा है कॉपी वाला, तो यहाँ पे 72 डिग्रीज 44 मिनट्स प्लस 1 डिग्री 12 मिनट्स, तो ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू कौन सी वैल्यू है, ये ट्रू बेरिंग, ट्रू बेरिंग, और जो दी गई है वो क्या है, वो मैग्नेटिक बेरिंग है। तो स्टूडेंट्स आपके सामने आज की क्लास में हम जो है मुख्तलिफ टॉपिक्स जो ऑलरेडी आपके सामने कवर कर चुके थे पिछली क्लास में, उसको एग्जांपल्स के साथ, प्रॉब्लम्स के साथ, फिगर्स के साथ, खाकों के साथ और सॉल्यूशंस के साथ आपके सामने मुख्तलिफ टॉपिक्स को कवर किया गया है।
और अगली क्लास में भी हम इसी तरीके से मुख्तलिफ चीज़ें करते रहेंगे, टॉपिक्स कवर करते रहेंगे, प्रॉब्लम्स करते रहेंगे, और बोर्ड पर भी आपको समझाने की कोशिश की जाएगी यही टॉपिक्स को। और जो भी प्रॉब्लम्स जहाँ पर हैं, चाहे वो ट्रू बेरिंग का प्रॉब्लम हो, मैग्नेटिक बेरिंग का प्रॉब्लम हो, फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का प्रॉब्लम हो, या होल सर्कल बेरिंग से रेड्यूस बेरिंग, रेड्यूस बेरिंग से होल सर्कल बेरिंग, ये वाला प्रॉब्लम हो, ये तमाम प्रॉब्लम्स जो आपको एग्जांपल्स के तौर पर बतला दिए गए हैं, ये आपको अपने कॉपी में, अपने जो है पेपर्स में सॉल्व करना है, और फिगर के साथ, खाके के साथ सॉल्व करना है। जब तक कि आप सॉल्व खुद नहीं करेंगे आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो अगली क्लास में हम अगले जो भी टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे।